हेलो एवरीवन, दिस इज इनसेन लखनवी। आई एम उत्कर्ष और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ कि कुछ ऐसे ऐप्स जो आपके फ़ोन में होने चाहिए और अगर नहीं है तो इंस्टॉल करिए। कुछ फ़ोन्स में ये फीचर्स पहले से एम्बेडेड होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। तो ये ऐसे ऐप्स हैं जो आपकी लाइफ ईजी बनाएंगे और आपको हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो जो आज पहली ऐप मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है मूविट। ये एक ऐसी ऐप है जो आप लोग को पब्लिक कन्वेंस और लोकल ट्रांसपोर्ट्स के बारे में बताती है। और इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात है ये कि ये प्ले स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है और बहुत छोटे साइज़ की है। आप इसमें अपनी डेस्टिनेशन डाल के पब्लिक कन्वेंस के थ्रू अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं आज के दूसरे ऐप की, जिसका नाम है नोटिफाई बडी। और ये ऐप मुझे बहुत पसंद है। नोटिफाई बडी की ऐप है एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे बहुत काम आई है। क्योंकि इसका एक अलग फीचर है कि आप इसमें अपनी LED नोटिफिकेशन लाइट जो ये आपकी स्क्रीन पे देती है इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको व्हाट्सएप के लिए ग्रीन कलर चाहिए तो आप ग्रीन कलर एडजस्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए पिंक कलर चाहिए तो आप पिंक कलर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका जो मेन बात है ये बहुत छोटे साइज़ की है और आप इसमें अपने LED नोटिफिकेशन लाइट की ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी देर के लिए वो LED लाइट चाहिए। हाँ, तो तीसरी जो ऐप है वो है फाइल्स बाय गूगल। ये गूगल की एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन की फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करती है। हाँ, तो ये जो फाइल्स बाय गूगल की ऐप है ये एक बहुत छोटी ऐप है, बहुत कम साइज़ की है और ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। और ये गूगल की ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन के मीडिया को, फाइल्स को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेगी। सपोज़ आपके फ़ोन में कई सारी डुप्लीकेट्स ऐप हैं या मेम्स हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं, इनको अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर देगी और आप उस एप्लीकेशन में जाके फाइल्स बाय गूगल की आप बेकार की जो डुप्लीकेट इमेजेस हैं या बेकार की इमेजेस या मेम्स हैं उनको आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये मुझे तो पसंद है, अगर आपको ये पसंद है तो इंस्टॉल कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं अपनी चौथी ऐप की तरफ, जो है एक्शन डैश। एक ऐसी ऐप है जो आपके फ़ोन की एक्टिविटीज़ को मैनेज करती है और काउंट करती है। हाँ, तो फ्रेंड्स, जो एक्शन डैश की ऐप है एक ऐसी ऐप है जो आपके फ़ोन की एक्टिविटीज़, नोटिफिकेशंस, अनलॉक्स या आपने कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ किया है इसको काउंट करती है। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपने अपने फ़ोन को दिन भर में कितना यूज़ किया, कौन सा ऐप कितनी देर यूज़ किया और आपने कितना टाइम वेस्ट किया। तो आप इसको इंस्टॉल करिए। और 7 MB की ऐप है और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो मैं लिंक्स भी दे दूंगा इन ऐप्स की, तो आप इनको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं बाद में भी। हाँ, तो नेक्स्ट जो ऐप है वो है एडोबी का Lightroom। ये एक फ़ोटो एडिटिंग ऐप है और आप इससे फ़ोटो क्लिक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये जो एडोबी का Lightroom ऐप है इसको मैं लास्ट में सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये थोड़ा लार्ज साइज़ का ऐप है, वरना मैं इसको सबसे पहले रखता क्योंकि आजकल फ़ोटो खिंचाने का बहुत ट्रेंड है और इंस्टाग्राम पे अपनी फ़ोटोज़ डालने का, और लोग बहुत पैशन से अपनी फ़ोटो एडिट करते हैं। तो आप इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी फ़ोटोज़ को बहुत अच्छे से एडिट कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये थोड़ा लार्ज साइज़ का ऐप है बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका एक पेड वर्जन भी आता है बट अगर आप चाहें तो आप इसी ऐप से अपना काम चला सकते हैं और आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छे से एडिट हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं utkarsh.shukla.26 पे। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।